लिनोवो स्मार्ट लॉक, जिसमें ऑफिशियली यूट्यूब सपोर्ट तो नहीं है लेकिन कुछ ट्रिक्स यूज़ करके आप इसमें यूट्यूब यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको यूएसबी हब क्लॉक के यूएसबी पोर्ट में लगाना है, उसके बाद अपना कीबोर्ड माउस उसमें कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको सिस्टम सेटिंग्स में अबाउट डिवाइस और उसमें ओपन सोर्स लाइसेंस पर क्लिक करना है। ओपन सोर्स लाइसेंस में क्लॉक के ओएस के बारे में जानकारी दी गई है, उसमें आपको नोटिसेस फॉर एसपीआईआरवी टूल सर्च करके जो गिटहब की वेबसाइट है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये आपको रिडायरेक्ट करेगा गिटहब की वेबसाइट पर, जिसमें आपको पेज के एंड में जाकर अबाउट पर क्लिक करना है और दूसरे पेज में यूट्यूब आइकॉन पर क्लिक करना है और आपका यूट्यूब चालू हो जाएगा। पहले इस क्लॉक में ऐसे बहुत सारे वेज थे जिससे कि आप यूट्यूब ऑन कर सके, लेकिन आई थिंक जैसे जैसे लिनोवो को इसके बारे में पता चल रहा है वो सभी इन वेज को ब्लॉक कर रहा है। जैसे कि पहले इसमें कीबोर्ड चल रहा था वो अभी नहीं चल रहा है, इसका मतलब आपको कीबोर्ड माउस की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ टच से भी आप इसमें यूट्यूब ऑन कर सकते हैं।